going to tell you how to make a barcode in Excel, Word and PowerPoint. Excel में हमको वर्ड बारकोड बनाने के लिए सिंपल हमें एक फॉन्ट की जरूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वर्ड को बारकोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है CIA कोड 39। तो ये देखिए आपका ये बारकोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये कि अगर स्मॉल लेटर में आप कुछ लिखते हैं तो वो बारकोड में नहीं बदलता है। अब इसको फिर से लिख रहे हैं हम, यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं और इसको फिर से यहाँ पे होम करके CIA 39 करते हैं तो ये देखिए नंबर तो आपका बदल जाएगा, लेकिन अल्फाबेट नहीं बदलेगा, क्योंकि जो कोड हमने लिया है उसमें स्मॉल कोड को वो नहीं लेता है, तो इसके लिए हमें बड़ा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर हम बड़ा अल्फाबेट लिख देंगे तो ये ले लेगा, अब हम इसको यहाँ पे कॉपी करके करते हैं और अब इसको बदलेंगे तो ये आपका बारकोड बना देगा। तो इसलिए जब आप यूज़ करिए तो ये मत सोचिएगा कि मैम ने तो बताया था फिर भी ये नहीं कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर बारकोड भी हमेशा कैपिटल में लीजिएगा अगर ये वाला फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और ट्रायल एरर आप करिए और भी कोड्स हैं उन पर कोशिश करके आप स्मॉल में भी कर सकते हैं, इसमें बहुत से फॉन्ट हैं। इसी तरह से इसको भी हम बारकोड में बदल सकते हैं, सिंपल यहाँ पे बस हमें CIA कोड लिखना पड़ेगा। ये देखिए किसी भी चीज़ को आप बारकोड में इजीली बदल सकते हैं, सिर्फ आपको इस फॉन्ट की ज़रूरत है। तो अब कैसे ये फॉन्ट हम लोग यूज़ करते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको चलते हैं देखते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर CIA कोड की वेबसाइट है dafont.com, बारकोड के लिए 39 कोड 39.font। जब आप ये लिखिएगा तो देखिए ढेर सारे डिफरेंट टाइप के बारकोड आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। अब इस बारकोड में से हमको CIA कोड 39 देखिए सेट किया, यहाँ पे हम लिखते हैं CIA कोड 39, तो हमें जिस वाले कोड को सर्च किया वो ये आ गया। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपकी एक रार फाइल आ जाएगी, इस फाइल को आप डबल क्लिक करिए। जब आप डबल क्लिक करिएगा तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, या तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या इस पर डबल क्लिक करिए। जब इस पर डबल क्लिक करिएगा तो देखिए या तो प्रिंट कर सकते हैं या तो इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम इंस्टॉल डायरेक्ट कर देंगे। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए इंस्टॉल पर प्रेस नहीं कर रहे हैं। जब आप इंस्टॉल पर प्रेस करिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो आप उसको जाकर एक्सेल में ईजिली यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सेल में आप उसको यूज़ कर लीजिए। अब हम चलते हैं वर्ड में कि वर्ड में कैसे यूज़ किया है, तो वर्ड में भी वही है। यहाँ पे सिंपल हमने ये लिखा और उसके बाद अब मान लीजिए तीसरा हम अपना बना रहे हैं रतन अग्रवाल, देखिए ईजिली वो बनाता जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर देना है, और इसी तरह से हम पावर पॉइंट में भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए नया साइड लिया और यहाँ पर भी हमने लिखना शुरू किया रतन अग्रवाल 122, या कोई भी नंबर लिख सकते हैं 123, है ना। अभी इसमें चेक करते हैं कि क्या हैश लेता है क्या। तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, इसको कंट्रोल ए किया, इसका बोल्ड किया, इसके फॉन्ट को बढ़ा दिया,
मान लीजिए इसको बड़ा किया, फिर इसके बाद इसको CIA फॉन्ट लेकर देखते हैं कि लेता है कि नहीं लेता है। ये देखिए इसने चेंज कर दिया, तो हमारा ये बार कोड बन गया। ये देखिए हैश इसने नहीं लिया, इसके मतलब कि जो कुछ भी हम एक्स्ट्रा लेंगे वो उसके लिए हमें बार कोड वो वाला चाहिए होगा जिसमें उसको वो रिकग्नाइज करता है, अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो इस तरह से हम पावर पॉइंट में भी इसको बना सकते हैं, और इवन अपनी वेबसाइट पर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते सेलिंग के लिए और वहाँ पे आप बारकोड यूज़ करना चाहते हैं तो इस मेथड को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट के साथ बारकोड आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल टू गेट मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो। फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू माई कम्युनिटी and comment on my video and ask the question in comment. कमेंट में आप अपनी क्यूरी को लिखिए और उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे जिस पे आपकी ज़रूरत है। और प्लीज़ फॉलो करिए, रन करिए, सब्सक्राइब करिए, और वॉच टाइम के लिए हमको आप लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू।